अभी सीखने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। सपोज करिए मैंने फोर पार्टिकल प्लेस किया, एक चार्ज पार्टिकल क्यू, एक चार्ज पार्टिकल क्यू, एक चार्ज पार्टिकल क्यू, एक चार्ज पार्टिकल क्यू। कोई पूछे कि बताइए इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जबकि ये स्क्वायर है, साइड लेंथ मान लीजिए ए है, इसका साइड लेंथ सपोज करिए ए है। तो कोई पूछिए कि बताइए इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस क्यू की कितनी है एनर्जी। तो सबसे पहले बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक तो सिंपल तरीका है कि चार्ज पार्टिकल जहाँ पर रखा गया है, ये चार्ज पार्टिकल जहाँ पर रखा गया है वहाँ का पोटेंशियल निकालिए। मतलब इस अप्रोच में, मेथड वन में, मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया क्यू इंटू भी। भी क्या है? जहाँ पे चार्ज रखा गया है उस पॉइंट की पोटेंशियल है। तो क्या लिखेंगे आप? क्यू इंटू इस पॉइंट का पोटेंशियल बाकी तीन की वजह से। तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या आएगा? के क्यू अपान ए प्लस इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल के क्यू अपान ए, इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल प्लस के क्यू अपान ए रूट टू। तो ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी किसकी? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू। ओके, अब ये तो मैंने इस बेसिक फॉर्मूले से निकाल लिया कि इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन अगर मैं सही समझूं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो मैं उसके हेल्प से भी निकाल सकता हूं। जैसे कि मैं जानता हूं कि अगर दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल क्यू वन है और एक पार्टिकल क्यू टू है, कोई पूछे कि इनके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए, इनका पोटेंशियल, तो उसको डिफाइन किया गया के क्यू वन क्यू टू अपान आर, बीच की दूरी आर है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या भाई? क्यू वन को, मतलब इस क्यू टू को यहाँ पर लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, एक्चुअल में इस क्यू को यहाँ पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, एक्चुअल में वही क्या है, मिनिमम वर्क डन जो करना पड़ेगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर आप उसको ला रहे हैं, अगर इस क्यू को इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहे होंगे, तो जो भी फ्लो लाने में, क्योंकि तभी तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन एक्सेलरेशन के वर्क डन के बराबर आएगा, तो स्लो लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो आपको इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी, इसके अगेंस्ट भी, तो जो टोटल सम बनेगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जैसे क्यू इन्फिनिटी पे है तो उसका जब लेकर आएंगे यहाँ पे रखेंगे तो इसके अगेंस्ट भी आएगा वर्क डन, इसके अगेंस्ट वर्क डन क्या लिखेंगे आप? वैसे के क्यू इंटू क्यू अपान ए, इसके साथ हो गया। लेकिन जब उसके यहाँ पे ला के रखेंगे तो इसके साथ भी बनेगा, तब क्या लिखेंगे? के क्यू इंटू क्यू अपान ए, और इसका वर्क डन इसके साथ भी तो आएगा, तो कितना आएगा? के क्यू इंटू क्यू अपान ए रूट टू। तो इस चार्ज पार्टिकल के जब यहाँ से मैं यहाँ तक ला रहा हूँ, तो स्लो मूवमेंट में, वेरी स्लो मूवमेंट में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है वही क्या है? इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे, इसको ला के रखेंगे, तो इस चार्ज पार्टिकल को इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी, इसके अगेंस्ट भी, तो तीनों का वर्डन जुट गया और ये वैल्यू सिंपल है। तो अब जब भी आपको किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल लिखना होगा तो आप क्या करेंगे? रिमेनिंग, बाकी जो रिमेनिंग है उनके साथ कितना इंट्रैक्शन पोटेंशियल जा रही है सबको जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इस दोनों तरीके को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कोई पूछे इस पॉइंट की पोटेंशियल जा रही है, तो आप क्या करेंगे? यू बराबर क्यू इंटू भी कर दीजिए, अभी इस पॉइंट का पोटेंशियल बाकी रिमेनिंग की वजह से लिख दीजिए, आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि इसका पोटेंशियल जी इसके साथ क्या है, इसका इसके साथ क्या है, इसका इसके साथ क्या है, इनको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है? ऑफ अ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, इस केस को हमने स्टडी किया, एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब हमें बात करना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो अगर सिस्टम की बात किया जाता है तो कहा जाता है कि सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में आपको जो मिनिमम वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं कि उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है।
तो अगर कोई पूछे कि इन चार पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल कितना है, तो मेरा दिमाग इस पर काम कर रहा है, मेरा दिमाग इस पर काम कर रहा है कि सिस्टम को बनाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा, वो इसके सिस्टम की एनर्जी कहलाएगी। तो चलिए, हमने इस तरीके से स्क्वायर बनाया और सबसे पहले क्या किया कि जो चारों चार्ज पार्टिकल उसके इन्फिनिटी पर रखा, क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल डिफाइन किया गया है कि अगर सारे के सारे चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे हैं और उनके बीच में सेपरेशन भी इन्फिनिटी है, तो उनको ला के इन प्लेसेस पे रखने में मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, जैसे अगर ये चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी होता तो उसको ला के यहाँ पे रखोगे यहाँ पे, तो कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इधर कोई चार्ज नहीं है तो इसको रिपल्सन नहीं देंगे। लेकिन जब दूसरे चार्ज पार्टिकल ला के आप यहाँ पे रखेंगे, दूसरे के यहाँ पे रखेंगे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ेगा वो इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, तो आप कितना लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर अपन पोटेंशियल एनर्जी। तीसरे को जब यहाँ ला के रखेंगे, तीसरे को यहाँ ला के रखेंगे, तो बाकी इन दो के साथ तो वर्क करना पड़ेगा, तो इन दो के साथ, तो इसके साथ कितना आएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपन ए, और इसके साथ कितना आएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपन ए रूट टू बन गया। फिर जब चौथे को ला के आप यहाँ रखेंगे, तो बाकी इन तीन के साथ वर्क करना पड़ेगा, तो जो एनर्जी लिखेंगे वो कितना बनेगा, इसका इसके साथ के क्यू स्क्वायर अपन ए प्लस इसका इसके साथ के क्यू स्क्वायर अपन ए, और इसका इसके साथ के क्यू स्क्वायर अपन ए रूट टू। बस सिस्टम बन गया, अगर सिस्टम बन गया तो यही सिस्टम की एनर्जी है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहाँ ला के रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। और कोई कहता है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सिस्टम के सारे पार्टिकल अगर इन्फिनिटी पे हैं तो उनको ला के इस स्क्वायर के एज पे कॉर्नर पे रखने पे कितना वर्क करना पड़ेगा, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो हमने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखी और पार्टिकल की ऐसे लिखी। तो पार्टिकल को तो एकदम आसान है, आपने क्या किया, इसका लिखना है तो इसका इसके साथ लिखा, इसका इसके साथ लिखा, इसका इसके साथ लिखा, और सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया। और सिस्टम का लिखना है तो फिर एक करके एक लाएंगे, फिर तो इतना नहीं सोचा जाता, इसको लाया तो नई बार करना पड़ा, फिर दूसरे को लाया, फिर इनके साथ, फिर तीसरे को लाया, इतना नहीं सोचते, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। बट इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है, जब भी आपको लिखना होगा तो हम लोग दो अप्रोच यूज़ करेंगे सिस्टम के लिए, एक मार्किंग अप्रोच यूज़ करेंगे और एक यूज़ करेंगे समेशन अप्रोच। तो हम लोग मार्किंग अप्रोच यूज़ करेंगे, मार्किंग अप्रोच, मार्किंग अप्रोच। इसमें क्या करेंगे, मार्क करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको मार्क किया, इसको मार्क किया, तो बाकी तीन है ना, तो तीन के साथ लिखेंगे, तो इसका इसके साथ क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए प्लस इसका इसके साथ के क्यू स्क्वायर ए, और इसका इसके साथ कितना, के क्यू स्क्वायर अपान ए रूट टू, ये वाला हो गया। अब इसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे तो इसके साथ नहीं लिखेंगे, बाकी जो दो हैं उनके साथ लिखेंगे, जो मार्क कर दिया उससे नहीं लिखेंगे, तो प्लस इसका इसके साथ के क्यू स्क्वायर अपान ए प्लस इसका इसके साथ के क्यू स्क्वायर अपान ए रूट टू, इसका हो गया। अब इसको मार्क करेंगे तब तक जब तक ये पूरे मार्क ना बन जाए इसका, तो इसका इनके साथ नहीं लिखना है, लिख चुके हैं तो इसके साथ लिखेंगे, तो ये कितना बनेगा, तो के क्यू स्क्वायर अपान ए, लिख लिया। अब इसको मार्क करेंगे, इसको मार्क कर लिया तो कोई मार्क, सब मार्क हो चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज एनर्जी ऑफ सिस्टम, और देखिए मिलेगा ये जो वैल्यू है ना वो ये वाली वैल्यू, देखिए, और ये जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है, और ये जो वैल्यू, ये वैल्यू, मतलब सही है। तो मैं रिपीट कर दूँ, हम लोग जब भी सिस्टम की पोटेंशियल लिखनी होगी हम लोग दो अप्रोच यूज़ करेंगे, एक को बोलेंगे मार्किंग अप्रोच और दूसरे को बोलेंगे समेशन अप्रोच। तो ये मार्किंग अप्रोच, इसमें क्या करेंगे, एक को मार्क करेंगे बाकी से लिखेंगे, फिर दूसरे को मार्क करेंगे रिमेनिंग से लिखेंगे, फिर तीसरे को मार्क करेंगे रिमेनिंग के लिखेंगे। अगर 10 पार्टिकल हैं तो ऐसे ही 10वें तक मार्क करना पड़ेगा, और जो बचे होंगे उससे लिखेंगे, आंसर आ जाएगा मार्किंग अप्रोच। अच्छा, मार्किंग अप्रोच का यूज़ कब किया जाता है मैं बता दूँ, इस अप्रोच का यूज़ तब किया जाता है जब सारे सारे चार्ज पार्टिकल अलग अलग हों। तो देखिए कभी भी कर सकते हो, चार्ज पार्टिकल अलग अलग हों या सेम हो, कर सकते हो। अब हम बात करते हैं समेशन अप्रोच की।
समेशन अप्रोच। तो ये है समेशन अप्रोच, हम पढ़ने जा रहे हैं समेशन अप्रोच। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समेशन अप्रोच में क्या होता है, इसमें क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे पार्टिकल की पोटेंशियल लिखो और उनको एक एक करके जोड़ दो। जैसे कि सिस्टम की जो एनर्जी होती है ना वो गवर्न किया जाता है सिग्मा समेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू का फैक्टर्स होता है ध्यान रखें, मतलब हर पार्टिकल की। और इसको आपको रटना है, ये भी तरीका है, हर पार्टिकल की पोटेंशियल से लिखो, इसका अलग से लिख लो। मैथ जैसे कि इंडिविजुअल पार्टिकल की पोटेंशियल लिखने का भी मेथड मैंने बताया था ना, ये वाला मेथड, इसके हेल्प से आप इस पार्टिकल की पोटेंशियल अलग लिखिए, इसका अलग लिखिए, इसका अलग लिखिए, इसका अलग लिखिए, और सबको जोड़ दीजिए सिग्मा, सबको जोड़ दीजिए और दो से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे लिखते इस क्वेश्चन में सिस्टम की पोटेंशियल, अच्छा इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल क्या होगी, इसके साथ बनेगी तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बनेगा, और इसका इसके साथ बनेगा तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू बनेगा, और इसका इसके साथ बनेगा कितना, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बनेगा, इसका इसके साथ लिख दिया। नेक्स्ट, अगर ये चार्ज और ये चार्ज, ये चार्ज देखो सब इक्वल दूरी पे है, इक्वल दूरी पे है, और जैसा इसकी सिमेट्री इन तीन के साथ है वैसी इसकी सिमेट्री इन तीन के साथ है, वैसी इसकी सिमेट्री इन तीन के साथ है, वैसी इसकी सिमेट्री इन तीन के साथ है। इसका मतलब हर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर आएगी। तो सिग्मा समेशन करना है ना, तो सिग्मा समेशन का मतलब आपको इसी क्वांटिटी को चार बार जोड़ना पड़ेगा और टू से भाग करना पड़ेगा, मतलब चार से मल्टीप्लाई करो दो से डिवाइड करो। तो बात देखिए भाई, इसका लिखेंगे तो भी यही आएगा, इसका लिखेंगे तभी भी यही आएगा, इसका लिखेंगे तभी भी यही आएगा, और इसका लिखेंगे तभी भी यही आएगा, और इस अप्रोच में सबको जोड़ेंगे और दो से भाग करेंगे। तो इसको चार बार जोड़ने का मतलब क्या हो गया, चार से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई टू कर दिया, आगे आंसर। और ये वैल्यूज और ये वैल्यू देखिए एग्जैक्टली सेम है, देखिए कैसे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए टू का टर्म अंदर आएगा, मतलब नीचे ए का फैक्टर यहाँ पे है यहाँ पे है, तो ये दो बार हो गया और यहाँ से दो मल्टीप्लाई चार बार, मतलब के क्यू स्क्वायर बाई ए फोर बार आएगा। तो देखिए फोर बार, वन टू थ्री एंड फोर, आ गया ना फोर बार। और के स्क्वायर अपॉन ए रूट टू का फैक्टर देखिएगा, ये टू से टू तो टू बनेगा, तो टू यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब ए रूट टू वाला फैक्टर ना दो बार आना चाहिए, तो एक बार यहाँ आया देखिए, एक बार यहाँ आया, मतलब ये भी सही अप्रोच है। एक्चुअल में ये ट्वाइस करना बहुत ही ज़रूरी है, डिवाइड करना, नहीं डिवाइड करेंगे आंसर गलत आएगा, क्योंकि ना डबल हो जा रहा है। जैसे इसको जब ला के यहाँ पे रखेंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब इसको लेकर रखेंगे तो इसके साथ वर्क करना पड़ेगा, और जब इसको ला के रखेंगे तो इसका वर्क इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। तो जब दोबारा लिखेंगे तो मैंने अभी आप लोगों को समेशन अप्रोच बताया और मार्किंग अप्रोच बताया, तो समेशन अप्रोच कब यूज़ करना चाहिए और मार्किंग अप्रोच कब यूज़ करना चाहिए। तो समेशन अप्रोच तब यूज़ किया जाता है इन जनरल, हालांकि आप कभी भी दोनों ही अप्रोच आप जब चाहो तब यूज़ कर सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन समेशन अप्रोच उस समय यूज़ करेंगे जब सारे चार्ज पार्टिकल सेम हैं, सेम अमाउंट के हैं, या इस तरीके से हों कि हर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी सेम आए, तो इससे कैलकुलेशन बहुत ही ईजिली हो जाता है। मतलब ज़्यादातर चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी सेम आए तो समेशन अप्रोच यूज़ करिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जिसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसी को बार बार लिख के जोड़ना पड़ता तो फिर ये देखिए तीन ये और चार बार जोड़ना पड़ता तो 12 टर्म बन जाते, टोटल 12 टर्म्स, बहुत बड़ा हो जाता। तो इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि जब भी चार्जेस सेम हो, रिपीट कर दूँ, जब भी चार्जेस सेम हो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, जब भी चार्जेस सेम अमाउंट के हों तो बेटर है कि आप समेशन अप्रोच यूज़ करिए, या यदि हर चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी सेम आ रहा हो तो भी आप समेशन अप्रोच यूज़ करिए, कैलकुलेशन हमेशा ईजी रहेगा। ओके हाँ, अब अगर हर चार्ज पार्टिकल की वैल्यू ही अलग अलग हो तो उस केसेस में कोशिश करिए कि आप मार्किंग अप्रोच यूज़ करिए, तो आपको ईजी पड़ेगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, इन जनरल है, हालांकि आप दोनों से भी आंसर निकाल सकते हो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जब भी सारे पार्टिकल्स सेम हो और आपसे कहे कि सिस्टम की पोटेंशियल बताइए,
तो आप समेशन अप्रोच यूज़ करेंगे। और जब सारे पार्टिकल के चार्जेस अलग अलग हों तो सिस्टम की पोजीशन निकालने के लिए मार्किंग अप्रोच लगाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, जैसे ये एक क्यूब है जिसका चार्ज हर सारे के सारे चार्जेस क्यूब हैं, और ये जेई में पूछ भी चुका है, क्यूब है और साइड लेंथ दिस इज क्यूब, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर ये क्यूब है साइड लेंथ ए का तो बताइए फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो अगर हमें मार्किंग अप्रोच करनी हो इसमें तो बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि आप इसको मार्क करेंगे बाकी के लिखेंगे, फिर इसको मार्क करेंगे बाकी पाँच से लिखेंगे, फिर इसको मार्क करेंगे बाकी चार से लिखेंगे। जैसे इसको मार्क करेंगे तो बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक को मार्क करेंगे 7 से लिखेंगे तो 7 बार आ गया, फिर इसको मार्क करेंगे बाकी 6 से लिखेंगे, फिर इसको मार्क करेंगे बाकी 5 से लिखेंगे, इसको मार्क करेंगे बाकी 4 से लिखेंगे, इसको मार्क करेंगे बाकी 3 से लिखेंगे, इसको मार्क करेंगे बाकी 2 से लिखेंगे, इसको मार्क करेंगे फिर इससे लिखेंगे। तो बहुत बन गया ना टर्म्स, 7 + 5 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो इतने टर्म्स बन गए। तो हम लोग इसको मार्किंग अप्रोच से नहीं करेंगे, वो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, हालांकि हो उससे भी जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे इसमें समय से अप्रोच यूज़ करने के लिए। जैसे अगर सारे चार्ज पार्टिकल सेम हैं और सबका डिस्टेंस ए है, तो दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हर पार्टिकल की पोटेंशियल सेम आएगी। भाई जैसा इसका ओरिएंटेशन है वैसा ही इसका भी ओरिएंटेशन है, वैसा ही इसका भी है। यानी मैं कह सकता हूँ कि हर पार्टिकल की पोटेंशियल सेम आने वाली है। अगर हर पार्टिकल की पोटेंशियल सेम आने वाली है तो समेशन अप्रोच तो अच्छा है, भाई सबको जोड़ेंगे सबका सेम है तो एक का निकालेंगे और टोटल कितने हैं, 8 है, मतलब 8 बार जोड़ना था तो जोड़ कर ना उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि समेशन अप्रोच मैंने क्या बताया था, हर पार्टिकल की पोटेंशियल से लिखिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ लिखते हैं सिस्टम की पोटेंशियल से लिखनी है तो सबसे पहले एक पार्टिकल का लिखेंगे, इस पार्टिकल लिखेंगे तो क्यू है तो इसके साथ लिखिए तो बनेगा कितना, तो के क्यू स्क्वायर अपन ए। अच्छा इससे का इसके साथ यही बनेगा और इसका इसके साथ भी यही बनेगा, इसका इसके साथ भी यही बनेगा, मतलब इस पार्टिकल की पोटेंशियल जो इसके साथ होगी वही इसके साथ होगी क्योंकि दूरी ए ए ए है। तो इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 बार लिखेंगे क्योंकि इसका इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, तो बेटर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस इसका इसके साथ भी तो बनेगा तो कितना बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपन ए रूट टू, क्योंकि ये दूरी ए रूट टू है। और पता है ये ए रूट टू वाले केस इस क्यूब के अंदर 3 है, ये ए रूट टू ये भी बनेगा, ए रूट टू यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये भी तो एक फेस है स्क्वायर है, और एक यहाँ बनेगा ए रूट टू क्योंकि ये भी तो स्क्वायर है, तो ए रूट टू वाले 3 बन गए। प्लस इसका इसके साथ ही बनेगा, ये बनेगा के क्यू स्क्वायर अपान यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाइडी डायगोनल है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो ए रूट 3 बनेगा, और ये सिर्फ एक ही बनता है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का, जो ए रूट 3 का तो डिस्टेंस बस एक ही बनेगा। तो आपने इस पार्टिकल की पोटेंशियल लिखी और 7 लिखा भी, देखिए 3 3 6 और 1 7, ये 1 का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो एक का आपने लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे लिखा, इसका इसके साथ लिखेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और उसकी दूरी बराबर था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये दूरी बराबर था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका इसके साथ। अब सिस्टम को लिखना है, क्योंकि हर पार्टिकल की एनर्जी सेम है तो इसी को 8 बार लिखें, 8 टाइम्स लिखें और 2 से डिवाइड कर दें। 8 टाइम लिखने का मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, एंड दिस इज आंसर्स। ओके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये स्क्वायर पिरामिड है, ये स्क्वायर है, ये ये ये, और ये जो पॉइंट चार्ज ऊपर है और उसका भी इससे दूरी ये है, सबसे दूरी ये है, मतलब स्क्वायर पिरामिड है, एक स्क्वायर के सेंटर से कुछ दूरी पे पार्टिकल है, 5 चार्ज पार्टिकल हैं, ये Q1 Q2 Q3 Q4 इसको Q5 भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, Q5 भी लिख लो बराबर ही होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, और इसका भी इसी दूरी ये है, इससे दूरी ये, इससे दूरी ये, ये भी दूरी ये है, इनकी भी बीच की दूरी ये है। ऐसे पूछ रहा फाइंड द पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, इसकी सारे के सारे चार्ज पार्टिकल अलग अलग हैं, तो इस केस में अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो समेशन अप्रोच में बहुत ही दिक्कत आएगी।
क्योंकि समेशन में आप एक का लिखेंगे उतना दूसरे का तो आएगा नहीं, दूसरे का तो कुछ और ही होगा, नहीं तो बेटर है जब दूसरे का वो नहीं आएगा, जब दूसरे का वो नहीं आएगा तो इसमें कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे, मार्किंग अप्रोच यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो मार्किंग अप्रोच, एक को मार्क करेंगे बाकी रिमेनिंग लिखेंगे, लिख रहे हैं सिस्टम की एनर्जी, तो इसका इसके साथ कितना लिखेंगे आप, के की वन क्यू टू अपान ए, इसका इसके साथ कितना लिखेंगे, के की वन क्यू फाइव अपान ए, इसके साथ हो गया, इसके साथ लिखेंगे कितना आएगा, के की वन की फोर अपान ए, इसका लिख लिया वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स। अच्छा इसका इसके साथ भी तो बनेगा, इसके साथ तो कितना बनेगा, के की वन की थ्री अपान ए रूट टू, क्योंकि ये दूरी ए रूट टू कहलाएगी। अब इसका हो गया, अब इसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे, इसका मार्किंग हो चुकी है तो इससे लिखना नहीं है, इससे लिखना है। तो इसको लिखेंगे के क्यू टू क्यू थ्री अपान ए, और इसका इसके साथ के क्यू टू क्यू फाइव अपान ए, और इसका इसके साथ ये बनेगा के क्यू टू क्यू फोर अपान ए रूट टू, लिख लिया इसका इन तीन से लिख लिया। अब किसी दूसरे को मार्क करते हैं, इसको मार्क कर दिया तो बच्चे इन दो से लिखना पड़ेगा, तब क्या लिखेंगे, के क्यू थ्री क्यू फोर अपान ए, इसके साथ इसके साथ के क्यू थ्री क्यू फाइव अपान ए प्लस, अब इसकी मार्क कर लिया, अब इसको मार्क कर लो, तो इनसे तो लिखना नहीं कि मार्क हो चुका है, तो इसका इसके साथ बनेगा के क्यू फोर क्यू फाइव अपान ए। अब तो किसी लिखना नहीं, और इसको मार्क करेंगे बाकी कुछ बचा नहीं, तो हो गया आंसर्स। दिस इज एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके तो जब सारे पार्टिकल अलग अलग हों तो हम लोग मार्किंग अप्रोच का यूज़ करेंगे, और जब सारे पार्टिकल का चार्ज सेम हो तो हम लोग समेशन अप्रोच का हेल्प लेंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। हालांकि आप दोनों ही अप्रोच से सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा।